नमस्कार, दरभंगा समाचार में आप सभी का स्वागत है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की सदस्यता अभियान के तहत हायाघाट प्रखंड के सिधौली पंचायत में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें आरजेडी जेडीयू को छोड़कर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सदस्यता दर्जनों लोगों ने लिया। इसमें मुख्य रूप से लक्ष्मण कुमार राम, अजय पासवान, राम दुलारे दास, रविंद्र कुमार, राम राजेश कुमार, सौरभ कुमार पासवान, विपिन कुमार पासवान, लक्ष्मी पासवान, दर्जनों लोग शामिल थे। वहीं दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने तहोरा पंचायत में बिजली के करंट से मंगलू मंडल जी का दर्दनाक मौत हो गया। उस शोकाकुल परिवार से मिलकर 10,000 की आर्थिक मदद की ताकि कुछ रोजगार कर सके, क्योंकि उस परिवार में उनके अलावा कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। इस अवसर पर जन अधिकार पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष भारती सिंह, नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार, मोहम्मद अंबर, मोहम्मद चांद, फिरोज खान, अमजद खान, अरमान, नौशाद अहमद, मोहम्मद दिलशाद, इस्माइल अख्तर, सुशांत सिंह, मोहम्मद सारुल, पप्पू कुमार आदि मौजूद थे। तैयो रात में लगा दिल के आ भिनसर में जाकर के जो है सब देखे लगे ले तो करंट ले गए सटले रे कुछ नहीं बतिया। क्या नाम था बच्चा, आपके बच्चा का? मंगनू मंडल नाम। अच्छा, बच्चा कितना है उनका? दो बच्चा है, एक अभी नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद कोई आया मिलने के लिए? उसके बाद जो उसके बाद कोई नहीं आया सर, पूछने के लिए नहीं आया कोई, अभी तक नहीं आया। मुखिया उसके बाद आया? जी नहीं, नहीं आया है। हमने जो है एक आदमी कहा कि जो है सीओ साहब वाला जो है तो उनको 20,000 मिलेगा। हम कहलिए कि तो कोई पता दीजिएगा तभी ना, हमको तो मालूम नहीं है। वही मुखिया जी को जो है सो गए खोजने के लिए, तो जा करके जो है सो डेली सांझ में गाड़ी लगा देते थे, वही आइसक्रीम वाला गाड़ी, और सुबेर में जा करके सब दिन वही चेक करते थे। उस दिन वो गए और वो ऐसे चेक करने के लिए गए कि उसमें करंट जो है सो लग करके उसी में सट ले रहा। फिर जो है सो जब हम गए हैं वहाँ पर तब उसके बाद देखे पड़ा हुआ है, फिर उठाए डॉक्टर ने ले जाते जो है तो तेज, फिर वहाँ से वापस लाए, फिर थाना का आदमी आए, पुलिस आए, फिर जो है मुखिया जी आए, सरपंच आए। उसके बाद हमको कहे क्या कि अब आप ही का लड़का था, हम कहे हाँ सर तो क्या कीजिएगा इसको, जो गिराने फिराने से कोई जो है सो ये लाभ आपको नहीं मिलेगा, ये जो है सो आप इसको संस्कार कर लीजिए। मुखिया जी मुझे 2,000 रुपये। ये बात आपको कौन बोला जो कुछ नहीं मिलेगा? ये जो है सो सरपंच मुखिया और सब जो थे। सरपंच का नाम क्या है, मुखिया का नाम क्या है? सरपंच का जो है सो नाम है आपको, इसकी जिम्मेदारी भी जनता पार्टी उठाएगी जब तक बच्ची बड़ी नहीं हो जाती। और अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ गलत है तो बाद में एक साल का वक्फा है ना, एक साल में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मैंने उनको नंबर दे दिया है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने उनकी मदद की या नहीं की, या पार्टी उन पर जो वादा किया था उस पर खड़ा उतरा नहीं। लोग लगातार जो है कहीं ना कहीं आपको फ़ोन कर रहे हैं कि ये समस्या हो गया, वो समस्या हो गया, सभी जगहों पर जाकर आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं क्या? सर देखिए, एक दिन आज भी एक दिन में हम लोग 3-3 जगह जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों को आशा अब जाग गया, यही शुरुआत है। अब ये लोगों के अंदर आशा अब उत्पन्न हो चुका है कि मेरा मदद के लिए, मेरी मदद के लिए कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा मददगार मौजूद है बिहार के अंदर में, जिसको हम बुलाएंगे तो वो आएगा। उसी कारण हम लोग कहीं भी कुछ होता है, कोई भी आपदा होती है, हमें खबर होता है या मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हमें खबर करते हैं, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। इस अवसर पर कौन कौन आपके साथ आए? मेरे साथ महिला हमारे जिला महिला अध्यक्ष भारती सिंह जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हमारे सनाउल्ला खान साहब है, हायाघाट प्रखंड के क्या जो हमारे अध्यक्ष हैं, बिलासपुर प्रखंड अध्यक्ष नुसर रहमान साहब हैं, आर्यन जी हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं जो इस आपदा घड़ी में शोकाकुल परिवार को संतावना देने के लिए। इस मामले में भी क्या सिंपल सी बात है, ये आपदा में बात करंट लगना, डूब के मर जाना, रेल से कट के मर जाना, रेल से या सांप काटने से मर जाना, ये
आपदा है, इस आपदा में 4 लाख रुपए सरकार देती है, आखिर इनको क्यों नहीं मिला? ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हमारे विधायक हैं, मैं ये क्या कर रहे हैं, क्या क्या दस्तावेज में जब वो आके अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या करेंगे आगे? इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ यहाँ के वीडियो से कि अविलंब इस परिवार को जो है सहायता राशि मिले 4 लाख रुपए, क्योंकि इनके पास खाने तक को नहीं है। एक ही बच्चा था परिवार का जो आइसक्रीम बेचता था। पिताजी जो है एक मंदिर में पुजारी है, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, क्या होगा उनका? इसीलिए कम से कम कुछ इतना पैसा मिल जाए ताकि ये अपना रोजगार शुरू करें। इसी क्रम में हम लोगों ने इनको आर्थिक मदद की है ताकि कुछ रोजगार कर सकें, अपना भरण पोषण कर सकें और आगे घबराए नहीं। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, इनका जब तक डिलीवरी नहीं होता, डिलीवरी के बाद 1 साल तक इनका ख्याल रखें। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। इस परिवार को देखने के बाद आप मीडिया बंधु को क्या लग रहा है? जनता जो है तस्त है और सरकार क्वारंटाइन सेंटर में, उनके तमाम विधायक एसी में मस्त है। मानिए पूर्व सांसद पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी के संरक्षक गार्जियन, वो इन विपदाओं का आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना महामारी। आप देख लीजिए हालात कि हम लोग मंदिर में है, ये शिव जी का मंदिर है और ये पुजारी है इनका एकलौता लड़का मंगनू मंडल जी इस दुनिया में नहीं रहे, आइसक्रीम बेचने का काम करते थे, लॉकडाउन में उनको ये परेशानी देखिए, बिजली करंट से आपदा से वो मर गए, इस दुनिया से चले गए, भगवान ने तो सहारा दे रखा अपने मंदिर की छत, मर ये सरकार क्या कर रही है? सरकार क्वारंटाइन का खेल खेल रही है, सरकार पैसे कमाने में मस्त है, सरकार को इन विपदाओं का आंसू नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार 100% जिम्मेदार है, 4 लाख रुपया इनको आपदा का मिलना चाहिए, कोरोना महामारी में लॉकडाउन में लोगों को खाने के लाले पड़े हैं और एक 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 बाप का उसका बुढ़ौती का सहारा चला गया, उसके घर महिला का आंसू पोंछने वाला चला गया और सरकार 4 लाख रुपया भी नहीं दे पा रही है, मंदिर में शरण लिए हुए हैं। अंतिम शब्द, मैं सरकार के लिए मैं निःशब्द, कोई शब्द नहीं, ऐसी सरकार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। क्या नाम है? सनाउल्लाह खान, प्रखंड अध्यक्ष जनता। इसलिए परेशान नहीं होना है, पता ना चाची, तीनों बेटे हैं ना, एक लड़का एक लड़की है। तो लड़की का आधार कार्ड बन गया है, उसके नाम से पैसा जमा करवा दिया जाएगा और कुछ? इससे बड़ी तो बात नहीं।